हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे CSIR UGC NET JRF फिजिक्स सिलेबस के यूनिट 1 मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हर्माइट पॉलिनोमियल, जिसको हम हर्माइट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके मैथ में अल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस। जबकि मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के अंदर आपके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपका हर्माइट फंक्शन, लेग्यूरे फंक्शन, लेजेंड्रे फंक्शन, बेसल फंक्शन। इन चारों फंक्शंस को हम अलग अलग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले स्पेशल फंक्शन के बारे में, जिसको हम जानते हैं हर्माइट फंक्शन या फिर हर्माइट पॉलिनोमियल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल या फिर हर्माइट फंक्शन के बारे में। ये हर्माइट फंक्शन क्या है, ये हर्माइट पॉलिनोमियल क्या है? देखिए स्टूडेंट, जो हर्माइट पॉलिनोमियल होती है या फिर हर्माइट फंक्शन होता है, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, और उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो पहले आप एक लाइन लिखेंगे, The Hermite polynomial denoted by h and x is the solution of Hermite differential equation d2y by dx square minus 2x dy by dx plus 2ny is equal to 0, where n is a constant। तो जो हमारी हर्माइट पॉलिनोमियल होती है या हर्माइट फंक्शन होता है, उसको हम h and x से डिनोट करते हैं, और ये सॉल्यूशन होता है एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम बोलते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हर्माइट पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो आपको इस हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। और वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स में, वो ही सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं और फाइंड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ताकि हमें हर्माइट पॉलिनोमियल एच एन एक्स का एक्सप्रेशन मिल सके। तो आप इसका सॉल्यूशन लेट करेंगे, पहले लेट वाई इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेस टू पावर के माइनस आर इज पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि ये जो वाई की ये जो वैल्यू है, ये इस हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लेट किया है वो डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में लेट किया है। जब आप आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको एक्स की पावर के मिलेगा, जब आप आर की अगली वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको एक्स की पावर के माइनस 1 मिलेगा, फिर के माइनस 2, इस तरह से के माइनस 3, इस तरह से के माइनस आर तक जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में जो सोल्यूशन लिया है फर्स्ट इक्वेशन का, वो लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन का, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, फिर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें, फिर डी टू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें, वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, चलिए फाइंड करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर के माइनस आर एक्स रेज टू पावर के माइनस आर। तो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर के माइनस आर, पावर आगे आ जाएगी के माइनस आर माइनस वन भी आना था यहाँ पर, माइनस वन एक्स रेज टू पावर के माइनस आर माइनस टू। तो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, y dy by dx और d2y by dx square, इन तीनों की वैल्यूज
यहाँ से उठा के इसको दे देते हैं हम सेकंड, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसको दे देते हैं फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन से उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे और आगे जो है सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन नंबर वन का। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने तीन इक्वेशंस फाइंड की थी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, dy by dx की वैल्यू, d2y by dx2 की वैल्यू इन तीन इक्वेशन से उठा के फर्स्ट में डालेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 2 3 एंड 4 इन वन वी गेट। तो यहां पर d2y by dx2 की वैल्यू डालिए, वो वैल्यू क्या है ये लिखी हुई आपके सामने फोर्थ इक्वेशन में, समेशन r = 0 टू इंफिनिटी ar k - r k माइनस आर माइनस वन एक्स रेस टू पावर k माइनस आर माइनस टू, आगे लिखा हुआ है माइनस टू एक्स इन टू, उसकी वैल्यू है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की, ये है इधर k माइनस आर एक्स रेस टू पावर k माइनस आर माइनस वन, उसके बाद प्लस टू एन वाई, प्लस टू एन वाई की वैल्यू क्या है r इज इक्वल टू जीरो, ए आर एक्स रेस टू पावर के माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स की पावर यहाँ पर वन है और यहाँ पर एक्स की पावर के माइनस आर माइनस वन है, तो ये पावर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टेप आप यहीं कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, एक्स की पावर वन है तो यहाँ पर जब आप प्लस वन करेंगे तो वन से माइनस वन कट जाएगा, तो ये एक्स हटा के यहाँ से मैं माइनस वन जो है वो हटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स उससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ टर्म्स कॉमन आ रही हैं वो टर्म्स कॉमन लेंगे। तो आइए कॉमन लेते हैं ए आर के माइनस आर के माइनस आर माइनस वन एक्स रेस टू पावर के माइनस आर माइनस टू। तो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म तो हमने एज इट इज उतार दी, अब हमने कॉमन लेना है इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर प्लस में हम कॉमन लेंगे, प्लस समेशन भी कॉमन आ रहा है तो पहले समेशन ले लीजिए, उसके बाद ए आर कॉमन आ रहा है ए आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा ये बचेगा एन, टू भी कॉमन आ रहा है टू बाहर ले लो, यहाँ ले लिया टू हमने, तो यहाँ क्या बचा आपके पास एन, उसके बाद माइनस के, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आर और एक्स की पावर के माइनस आर, एक्स की पावर के माइनस आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर ले लीजिए बाहर इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम कर चुके हैं, इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक निकाल चुके थे, इसको दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो इससे अगला स्टेप आपका क्या होगा, इससे अगला स्टेप ये होगा कि आपको जो x की हाईएस्ट पावर है उसके कॉफिशियंट को जीरो के बराबर इक्वेट करना है। तो आपको x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कौन सी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपको x की हाईएस्ट पावर तब मिलेगी जब आप r की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, r की मिनिमम वैल्यू है जीरो। अगर आप यहाँ पर r की मिनिमम वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है x की पावर k माइनस टू, और अगर आप यहाँ पर r की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आपको मिलती है x की पावर k, और x की पावर k जो है वो हाईएस्ट पावर है x की इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वेटिंग The coefficient of highest power of x that is x raised to power 2 0 by putting r is equal to 0 in equation 5 we get। जब आप r की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको x की पावर k माइनस टू मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पर r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको x की पावर k मिलेगा जो हमें चाहिए, और उसका कॉफिशियंट क्या बनेगा, r की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दीजिए तो a 0 बन गया, तो 2 तो बाहर है ही है, 2a0 ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप तो n माइनस k बनेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपका a नॉट जीरो होगा या फिर n माइनस के जीरो होगा। जब हमने सोल्यूशन लेट किया था हमारी हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये लेट किया था, इस सोल्यूशन को लेट करते समय एक कंडीशन जो लिखनी होती है वो मैं वहां लिखवाना भूल गया। वो कंडीशन ये होती है कि आपका a जीरो जो होगा वो नॉन जीरो होगा, तो a जीरो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब n माइनस के जो है वो जीरो होगा। अगर n माइनस के जीरो हुआ तो मीन्स n इज इक्वल टू के आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे यूज होगा आने वाले सेक्शंस में, इसको देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन।
अब x की जो अगली पावर होगी, x की पावर k से जो लोएस्ट पावर होगी वो होगी x की पावर k माइनस वन। अब हमें x की पावर k माइनस वन के कॉफिशियंट को जीरो के बराबर इक्वेट करना है, तो आप लाइन लिखेंगे इक्वेटिंग द कॉफिशियंट ऑफ x की पावर k माइनस वन टू जीरो बाय पुटिंग r इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फाइव वी गेट। अब x की पावर k माइनस वन चाहिए आपको, कैसे मिलेगी? अगर आप यहां पर r की जगह वन पुट कर देते हैं तो x की पावर k माइनस वन मिल जाएगी। अगर आप यहां पर r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा x की पावर k माइनस थ्री। हमें तो k माइनस वन चाहिए, तो हम ये वाला कोफिशिएंट लेंगे इस बार भी, तो हमें क्या मिलेगा 2। यहां पर r की जगह 1 पुट कीजिए a1 n माइनस k, प्लस r की जगह 1 पुट कीजिए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर, या तो हमारा मतलब ये होगा कि 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, मतलब a1 0 होगा या तो, या फिर n माइनस के प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने n बराबर के निकाला है, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू k पुट करते हैं तो k माइनस के जीरो हो गया और 1 बचा, और 1 जीरो के बराबर हो नहीं सकता, तो मीन्स ये वाली ब्रैकेट जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती। तो इस इक्वेशन से हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि हमारा a1 जीरो हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे यूज होगा। इसको दे देते हैं हम 7th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दो एक्स की पावर्स के कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो रख के दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाल लिए हैं। इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक्स की पावर के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर इक्वेट करके n इक्वल टू k निकाला था, ये हमारी 6th इक्वेशन थी। और जब हमने x की पावर k माइनस 1 के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट किया था तो हमें मिला था a1 इक्वल टू 0, ये हमारी 7th इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स के बीच में एक जनरल रिलेशन निकालने के लिए हम एक रिकरेंस फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। और वो कैसे मिलेगा, जब हम इस पूरी इक्वेशन में x की पावर k माइनस r के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर x की पावर k माइनस r है, यहां पर x की पावर k माइनस r माइनस 2 है, तो हमें इस पावर को k माइनस r बनाना है। यहां पर दिया हुआ है k माइनस r माइनस 2, हमें इसको बनाना है k माइनस r। तो आप क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू r माइनस 2। जब आप इस रिलेशन में r की जगह r माइनस 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वो देखते हैं। R की जगह आपको लिखना है R माइनस 2, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 2 माइनस 2 K माइनस R आ गया। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं R की जगह R माइनस 2 पुट करता हूं इस फर्स्ट टर्म के अंदर तो मुझे यहां पर X की पावर K माइनस R मिल जाएगी। तो आप लाइन लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ X की पावर K माइनस R टू 0 इन 5 वी गेट। अगर आपको यहां पर x की पावर k माइनस r बनाना है तो आपको इस फर्स्ट टर्म में जहां जहां r लिखा है वहां वहां r माइनस 2 पुट करना पड़ेगा। तो आइए पुट करते हैं, यहां पर पुट कीजिए ar माइनस 2 हो जाएगा, r की जगह r माइनस 2 पुट कर दिया, अब ब्रैकेट स्टार्ट k माइनस r, और यहां पर जब आप ब्रैकेट में r माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा k माइनस r प्लस 2। इसी तरह से जब यहां पर आप पुट करेंगे k माइनस r वो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 1। और स्टूडेंट्स यहां पर x की पावर k माइनस r बन जाएगी, जैसे मैंने आपको भी बताया k माइनस r माइनस 2 बन जाएगा k माइनस r। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से यहां पर x की पावर k माइनस r दिया हुआ है तो उसके कोफिशिएंट तो ऐसे आ जाएंगे प्लस 2 ar और साथ में आपका n माइनस k प्लस r और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहां से रवि कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि कैसे आप फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर k माइनस r माइनस 2 को k माइनस r में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया था हमने, r की जगह r माइनस 2 पुट कर दिया था इस फर्स्ट टर्म के अंदर। यहां पे तो x की पावर k माइनस r हमें दी हुई थी, तो जो कोफिशिएंट यहां दिया हुआ था वही हमने यहां पर उतार दिया और उसको बराबर इक्वल टू 0 रख दिया। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें वैल्यू निकालनी है ar की, तो ar की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरी टर्म को उधर लेके जाना होगा, तो ये बन जाएगा k माइनस r प्लस 2 k माइनस r प्लस 1 और साइन नेगेटिव हो जाएगा यहां पर, और साथ में ar माइनस 2 डिवाइड बाय आ जाएगा आपका 2 n माइनस k प्लस r। ये जो
ar के साथ लगा हुआ 2 और ये ब्रैकेट ये अपॉन में आ जाएगी। तो यहां से हमें ar और ar माइनस 2 में एक जनरल रिलेशन जो है वो पता लग चुका है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स हमें ऊपर रिजल्ट निकाला हुआ है n बराबर k है, तो जहां जहां आपका k लिखा हुआ है वहां वहां n पुट कर दीजिए। हमने आंसर जो है वो n की टर्म्स में निकालने हैं, तो अब हमें k की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां जहां आपको k दिखेगा वहां वहां आपने n पुट करते जाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स पुट कर दीजिए यहाँ पर k की जगह n, जहां जहां k दिया हुआ है n माइनस आर प्लस 2, एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जब आप यहाँ पर k की जगह n पुट करेंगे तो n माइनस n जीरो हो जाएगा, प्लस r बचेगा, मीन्स r बचेगा यहाँ पर, और साथ में ए आर माइनस 2 बचेगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं दे देता हूँ, इसको तो कोई जरूरत नहीं थी एट्थ इक्वेशन देने की, इसको मैं देता हूँ एट्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स एट्थ इक्वेशन को यूज करते हुए a1 हमें पता है जीरो है, a0 नॉन जीरो है, तो बाकी कोफिशियंट्स क्या होंगे, जैसे a2 क्या होगा, a3 की वैल्यू क्या होगी, a4 की वैल्यू क्या होगी, और बाकी कोफिशियंट्स की क्या वैल्यूज होंगी, वो हम निकालेंगे इसी एट्थ इक्वेशन को यूज करते हुए आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने ar और ar माइनस 2 में जनरल रिलेशन फाइंड कर लिया था। अब बाकी जो कोफिशियंट्स होंगे a1 के आगे वाले वो हम इसी रिलेशन को यूज करके निकालेंगे। तो a1 हमें पता चल गया था जीरो था सेवंथ इक्वेशन में, अब हमने a2 निकालना है। तो a2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 2 इन 8 वी गेट, दोनों तरफ आपने r की जगह 2 पुट कर देना, तो आपको क्या मिलेगा a2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर 2 पुट कीजिए, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा जीरो, एन बचेगा खाली, यहाँ पर 2 पुट कीजिए, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 हो जाएगा एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, और साथ में यहाँ पर 2 माइनस 2 ए जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 मिल रहा है, 2 इंटू 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 1, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही चीज है पहले वाली चीज है। तो 2 स्क्वायर इंटू 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल ही होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा, ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, a3 निकालना है, a3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 3 इन 8 वी गेट, a3 निकालना है, पुट कीजिए a3 इज इक्वल टू माइनस n माइनस 3 प्लस 2, n माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1, n माइनस 2 और नीचे 2 इंटू 3, और यहाँ पर 3 माइनस 2 1। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा a3 निकला है वो a1 के टर्म्स में निकला है, बट a1 क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पर अगर आप a1 की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो a3 भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा a5 होगा सिमिलरली a5 a7 जितने भी ऑड कोफिशिएंट्स होंगे वो सभी जीरो निकलेंगे। तो हम अब ऑड कोफिशिएंट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि a1 भी जीरो था, a3 भी जीरो आया, और जो बाकी के ऑड कोफिशिएंट्स होंगे वो भी जीरो निकल के आएंगे। तो अब ऑड कोफिशिएंट्स को आप भूल जाइए, सिर्फ इवन कोफिशिएंट्स को ध्यान रखिए। अब हमने a4 निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पुट r इक्वल टू 4 इन 8 वी गेट a4 इज इक्वल टू, यहां पे आप 4 पुट कीजिए तो ये बन जाएगा n माइनस 2, यहाँ पर 4 पुट कीजिए तो ये बन जाएगा n माइनस 3, यहाँ पुट कीजिए 4 माइनस 2 ये बन जाएगा a2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स हमें a2 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू पता है हमें कितनी है, ये है हमारी a2 की वैल्यू, ये दी हुई है। तो a2 की वैल्यू नाइन्थ इक्वेशन से उठा के अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस यहाँ पर है और माइनस a2 की वैल्यू में भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये साइन प्लस का आएगा आपकी बार। a2 की वैल्यू में n है तो पहले आप n लिख दीजिए, फिर n माइनस 1 है, फिर आपकी ये वाली टर्म्स है n माइनस 2, n माइनस 3, और नीचे आपका क्या है 2 इंटू 4 है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, और इस 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो एक 2 मैंने यहाँ लगा दिया मल्टीप्लाई में, एक 2 यहाँ पर लगा दिया, तो टोटल 5 2 हो जाएंगे। इसको 2 इंटू 4 और 2 की स्क्वायर को मिला के आपके 5 टाइम्स आपके 2 आ जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2 की पावर 4, और साथ में आपका 2 ऐसे ही देगा, 2 की पावर 4 अलग लिख दिया और 2 अलग से लिख दिया ये वाला। और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1 2 ही होती है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आप बाकी के इवन कोफिशिएंट जो हैं
वो फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ 10th इक्वेशन, और कोफिशियंट टू हाई जीरो, और इवन कोफिशियंट आपको ए टू फाइंड करना है, ए फोर फाइंड करना है, एंड सो ऑन कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन कोफिशियंट्स की वैल्यू जो हमने सोल्यूशन लेट किया था इक्वेशन नंबर 2 में हमारी हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन का, उनमें उस इक्वेशन में उस सोल्यूशन में ये कोफिशियंट्स की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे एक्सप्रेशन फॉर हार्मोनिक पॉलीनोमियल। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने a2 एंड a4 की वैल्यू फाइंड कर ली थी। जब हमने a4 की वैल्यू फाइंड की थी तो यहाँ पर a2 आ रहा था और हमने यहाँ पर a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, a2 की वैल्यू में a0 भी था, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में a0 भी लगाना था, वो मेरे से स्किप हो गया था, प्लीज आप पिछले सेक्शन में लगा लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी a2 की वैल्यू जिसको हमने 9th इक्वेशन दिया था, और ये थी हमारी a4 की वैल्यू जिसको हमने 10th इक्वेशन दिया था। और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y की वैल्यू क्या थी, समेशन r is equal to 0 to infinity ar x raised to power k minus r थी, बट k हमारा किसके बराबर है, n के बराबर है, तो आप यहाँ पर k की जगह n पुट कर देंगे। ये हमारा सोल्यूशन था हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने अज्यूम किया था ये सोल्यूशन। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके आपको क्या मिलेगा, y is equal to a 0 x की पावर n minus 0 means n प्लस, फिर आप r की अगली वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a 1 x की पावर, आपके पास r की वैल्यू 1 है तो n माइनस 1 प्लस a 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a 3 x की पावर n माइनस 3 a 4 x की पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन मिलता रहेगा। बट अभी हमने देखा था पीछे कि जो हमारे ऑड कोफिशिएंट्स थे a 1 a 3 a 5 a 7 वो जीरो थे, तो आपकी ये वाली टर्म ऑड कोफिशिएंट वाली टर्म, ये वाली टर्म और आपकी जो अगली टर्म्स होंगी a5 a7 वाली वो जीरो हो जाएंगी, तो आपके पास सिंपल सी ये इक्वेशन बचेगी a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a4 n माइनस 4 प्लस सो ऑन। a0 तो आपका नॉन जीरो था, a2 आपकी वैल्यू आपको मिली थी, a4 की वैल्यू मिली थी, इस प्रकार से बाकी के इवन कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपको मिलेगी। इसको मैं लेता हूँ 11th इक्वेशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर a2 और a4 की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 और इसको आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने y को एक्सपेंड करके लिख दिया था, जो हमें मिला था y is equal to a naught x की पावर n plus a 2 x की पावर n minus 2 plus a 4 x की पावर n minus 4 and so on, ये हमारी 11th इक्वेशन थी। यहाँ पर आपको कोई भी odd coefficient जो है वो नजर नहीं आ रहा a 1 a 3 a 5 क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है वो जीरो थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर a 2 की वैल्यू और a 4 की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 एंड 10 इन 11 वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा y is equal to, यहाँ पर a नॉट है, जब आप यहाँ पर a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां भी a नॉट आएगा, जब आप a4 की वैल्यू पुट करेंगे वहां भी a नॉट आएगा, तो सारे सब में से a नॉट जो है मैं बाहर ले लेता हूँ, तो a नॉट मैंने बाहर ले लिया, x की पावर n बचेगा अंदर और a2 की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको पुट करना होगा n n माइनस 1, नीचे है आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल, और आगे क्या है आपके पास ये a नॉट तो बाहर चला चुका है और यहाँ पर बचेगा आपका x की पावर n माइनस 2। इसी तरह से a4 की वैल्यू प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 नीचे डिवाइड में 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये a नॉट बाहर जा चुके हैं और यहाँ बचेगा x की पावर n माइनस 4। तो स्टूडेंट इस तरह से आगे चलता रहेगा, तो इसके आगे क्या करना है, आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये स्टेप देखेंगे अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे, अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है वो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। इस टर्म को आपने ऊपर और नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर लिखना है, n माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे लिखना है, और इस टर्म में आपने n माइनस 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू a नॉट और x की पावर n माइनस एन एन माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और नीचे है 2 की पावर 2 1 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेकंड टर्म की बात हो रही है ये n माइनस 2, आगे है प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और इस टर्म को आपने n माइनस 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, और नीचे है आपके पास 2 की पावर 4 और यहाँ पर है 2 की फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर दिया, n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया, n माइनस 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में है x की पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया,
तो स्टूडेंट्स पहले एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं 5 फैक्टोरियल खोलना चाहूं तो मैं इसको कैसे करता हूं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इस टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और 3 क्या है हमारा, 3 क्या है हमारा, 5 minus 2 फैक्टोरियल ही तो है, तो ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1 into n minus 2 factorial बन गया। तो students ये क्या बन गया हमारा, n factorial बन गया। इसी प्रकार से ये भी n factorial हो सकता है, किस प्रकार से, अगर मैं इसी का example हूँ 5 factorial का, तो 5 factorial क्या था हमारा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 था, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n minus 4 लिख सकता हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, last वाले 1 को 1 factorial लिख सकता हूँ, और 1 क्या है हमारा, 1 है हमारा n minus, sorry, 5 minus 4 factorial, तो ये बन गया n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 1 into n minus 4 factorial, तो ये भी n factorial की ही form है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको n factorial से replace करना है, इसको भी आपने n factorial से replace करना है, तो आगे अगला step होगा आपके पास a not x की power n minus n factorial, ये पूरी term जो है वो n factorial को represent कर रही है, नीचे 2 की पावर 2, 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर है आपके पास x की पावर n माइनस 2, इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं, 2 की पावर 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताऊंगा मैं, 2 की पावर माइनस 2 कर दिया ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से लेके n माइनस 4 फैक्टोरियल तक ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये वाला ये सब पूरा कर रहा हूं यहां से, और ये इस 2 की पावर 4 को आप ऊपर ले जा सकते हैं 2 की पावर माइनस 4, n से लेके n minus 4 factorial तक बन गया n factorial, नीचे आ गया 2 factorial, इस 2 की power 4 को मैं ऊपर ले गया 2 की power minus 4 हो गया, और नीचे जो है वो है n minus 4 factorial, और एक term और ऊपर बची है वो है x n minus 4, तो students यहां तक हो चुका है आपका। देखिए students अगर आप इस a not को एक special value assign करते हैं और वो value है 2 की power n, तो ये जो y की value है वो Hermite polynomial कहलाई जाती है, तो आप line लिखेंगे if we put a is equal to a not is equal to 2 की पावर n, then y is equal to, ये बन जाता है h n x, means हर्माइट पॉलिनोमियल बन जाता है ये, तब जब हम a not को एक स्पेशल वैल्यू, स्पेशल कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं 2 की पावर n, तो यही टर्म, ये y की टर्म जो है वो h n x बन जाती है, तो अब मैं y को y नहीं लिखूंगा, y को लिखूंगा h n x, और a नॉट की क्या जगह क्या लिखूंगा, 2 की पावर n लिखूंगा, 2 की पावर n, और अंदर सारी टर्म्स ऐसे लिखूंगा, x की पावर n minus n factorial, 2 की पावर minus 2, x n minus 2, और नीचे क्या है आपका 1 factorial, n minus 2 factorial, plus n factorial, 2 की पावर minus 4, 2 factorial, n minus 4 factorial, और यहां पर है x की पावर n minus 4, and so on। तो स्टूडेंट ये हमारा पिछला सेक्शन का स्टेप था, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद एक दो स्टेप और बचे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, बिल्कुल पिछले सेक्शन का लास्ट स्टेप जो था वो मैंने एज इट इज यहां पर उतार दी है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 2 की पावर n को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो आइए अगला स्टेप ये होगा आपका hnx is equal to summation, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर जो है वो सेम हो जाएंगी, तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x की पावर n minus n factorial, यहां पर 2 की पावर minus 2 है और यहां पर 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n into 2 की पावर minus 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर n minus 2 हो जाएगा, और साथ में ही आपका लगा हुआ है x की पावर n minus 2 मल्टीप्लाई में x की पावर n minus 2, तो ये बन जाएगा 2x की पावर n minus 2, तो ये स्टेप यहां पर ये टर्म आएगी आपकी, यहां पर इन सभी टर्म्स को कंबाइन करने के बाद तो ये बन जाएगा 2x की पावर n minus 2, नीचे है आपका 1 factorial n minus 2 factorial plus n factorial, उसके बाद है आपका 2 की पावर minus 4 लगा हुआ है और यहां पर 2 की पावर n आ रहा है, तो 2 की पावर minus 4 लगा हुआ है और 2 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n minus 4, और साथ में ही आपका x की पावर n minus 4 भी लगा हुआ है, तो इनको कंबाइन करके बन जाएगा 2x की पावर n minus 4, तो उसी प्रकार से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर n minus 4 और नीचे है आपका 2 factorial n minus 4 factorial and so on। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं, समेशन
आर इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, पहले मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, ये यहां से रब हो गया, उसके बाद हम इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिखें, कैसे लिखें ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास प्लस माइनस प्लस चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, माइनस वन की पावर आर, इसको ऐसे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स 2x की पावर n, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस r, 4 चल रहा है तो इसको आप लिखेंगे 2x की पावर n माइनस 2r, n फैक्टोरियल सेम चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे आप n फैक्टोरियल और नीचे पहले 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आप 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो मीन्स r फैक्टोरियल चल रहा है 0 1 2, और यहाँ पर n माइनस 2 n माइनस 4 जिसको हम लिखेंगे कॉमन में n माइनस 2 r फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें डिफरेंट टर्म्स जो है वो मिलने चाहिए, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है, माइनस वन की पावर 0 वो होती है 1, तो 1 तो है ही यहाँ पर मल्टीप्लाई में, 2x की पावर n माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 2x की पावर n, तो आगे 2x की पावर n आ गया, इंटू n फैक्टोरियल ऐसे देगा, नीचे आपका 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसके बाद ये फैक्टोरियल है साथ में, n माइनस 2 इंटू 0 मीन्स n फैक्टोरियल, तो आपको n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी ये वाली। इसी प्रकार से जब आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या ये टर्म मिल रही है, आइए वो भी चेक कर लेते हैं, माइनस वन की पावर 1 मीन्स माइनस 1 होता है तो माइनस साइन लगा हुआ है, 2x की पावर n माइनस 2 इंटू 1 मीन्स n माइनस 2, 2x की पावर n माइनस 2 है यहाँ पर ठीक है, उसके बाद n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल है, अगर हम r जगह 1 पुट करें n माइनस 2 इंटू 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल है। तो स्टूडेंट्स अगर आप r की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 2 3 ऐसी आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो मिलती रहेंगी, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स बात ये आती है कि यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगी, यहाँ पर दिया हुआ है फैक्टोरियल n माइनस 2 r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नहीं होता, मीन्स n माइनस 2 r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 r लेस देन इक्वल टू n, तो r लेस देन इक्वल टू n बाय 2, तो स्टूडेंट्स r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी n बाय 2, तो यहाँ पर लिमिट जो है आपने अपर लिमिट वो इन्फिनिटी नहीं लेनी, वो n बाय 2 लेनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है हार्मोनिक पॉलीनोमियल या फिर हार्मोनिक फंक्शन, और अगर आप यहाँ पर n की जगह माइनस n पुट करेंगे तो आपको h माइनस nx की वैल्यू मिल सकती है, h माइनस nx की वैल्यू मिल सकती है, अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो h 1x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म होता है आपका पहला फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन, जो बाकी के 3 स्पेशल फंक्शन हैं आपके सिलेबस में CSIR UGC NET JRF के सिलेबस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके आने वाली वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर।